अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इमरान खान साहब को एक क्रिकेट मैच में बॉलिंग कराते हुए दिखाया गया है और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आखिरकार गिव अप कर देते हैं उस बॉलिंग को और फिर वो बॉलिंग जो है वो एक और शख्स को दे देते हैं। वो शख्स आता है, वो बॉलिंग कराता है और वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता, वो कोई सियासतदान और लीडर भी नहीं होता, कोई अल्लाह की तरफ से शायद कोई शख्स होता है। तफसीलात में जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इमरान खान की हुकूमत के बारे में हमने कई दफ़ा डिस्कशन की है, बताया है कि इमरान खान साहब ने जो कब्र को सजदा किया था वो शिरके अकबर था और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा जो चीज नापसंद है वो है ही शिर्क। इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला कभी भी शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो उसके अलावा कोई और गुनाह, चाहे वो कबीरा हो, सगीरा हो, अमदन हो, खतान हो, जाहिर हो, बातिन हो, वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा सकता है। अब उसके बाद से इमरान खान के बारे में कई ख्वाब आ चुके हैं और उनका लुब्बे लुबाब ये है कि इमरान खान की हुकूमत के लिए इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं और इस तरह के चैलेंजेस आते हैं कि इमरान खान साहब बड़े गुस्से में इधर उधर और बड़ी परेशानी में इधर उधर जाते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं कि जैसे उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। जब इलेक्शन हुए थे उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से ये बता दिया गया था कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कामयाब नहीं होगी। उस वक्त लोगों का सेंटीमेंट गवर्नमेंट के पीटीआई के बारे में फेवर में था, लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और बड़ी नेगेटिव हमें कमेंट दिए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि तुम लोग मायूसी फैला रहे हो। इमरान खान साहब को तमाम तर क्रेडिट दिया जा रहा था और उनसे अच्छी उम्मीदें रखी जा रही थी, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया वो तमाम तर चीजें अनफोल्ड होना शुरू हो गई कि किस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत को चैलेंजेस आते रहेंगे, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट फेल हो जाएगी और अब उसके बारे में तमाम तरह डिस्कशन शुरू हो चुकी है। ये तो बिल्कुल क्लियर है, डिफेंस का बजट जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट फाइनेंसिस पूरे नहीं कर सकेगी और उसकी वजह से पाकिस्तान और मुल्क जो है वो एक बहुत ही टर्मोइल और बहुत एक कैओस की कंडीशन में चला जाएगा। इमरान खान साहब के बारे में एक और ख्वाब मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम ने देखा कुछ हफ्ते पहले। उस ख्वाब में इमरान खान साहब बॉलिंग करा रहे होते हैं और वो दूसरी टीम के बैट्समैन को आउट करने की कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो आउट नहीं कर पा रहे होते, वो स्कोर पे स्कोर खा रहे होते हैं, उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और बिल्कुल थक जाते हैं। आखिरकार फिर खान साहब थक के बॉलिंग जो है वो एक और शख्स को दे देते हैं। वो शख्स आता है, वो बॉलिंग कराता है, वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता और वो शख्स जो है वो कोई सियासतदान और लीडर भी नहीं होता, कोई अल्लाह की तरफ से शायद कोई शख्स होता है, तो उसको बॉलिंग दे देते हैं। वो सोचता है कि मैं कैसे बॉलिंग कराऊंगा, रिलक्टेंट होता है वो बॉलिंग इमरान खान साहब से लेने में, लेकिन वो ले लेता है फाइनली क्योंकि अल्लाह का इज़्ज़त शायद इसमें है और वो फिर बॉल कराता है। अब वो शख्स जो है वो पहली बॉल कराता है, वो डिलीवरी उसकी को बहुत अच्छी नहीं होती लेकिन स्कोर नहीं पड़ता, फिर दूसरी तीसरी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिलीवरी बेहतरीन होती जाती है और वो परफेक्ट कर लेता है अपनी डिलीवरी को। अब ये वाला जो ख्वाब है बॉलिंग वाला, ये कंपेयर हो सकता है सदारती निजाम वाले ख्वाब से। सदारती निजाम वाले ख्वाब में मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को दिखाया गया कि इमरान खान साहब को अराउंड 30% टाइम मिलेगा और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत फेल हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब भी डिलीवरी नहीं दे सके, इमरान साहब खान साहब की हुकूमत भी नाकाम हो चुकी है और उसके बाद पाकिस्तान में सदारती निजाम आएगा। और मुख्तलिफ ख्वाबों में यह भी दिखाया गया है कि जब इस्लामी निज़ाम आ जाता है, इस्लामी सदारती निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले सच्चे मुसलमान जो हैं वो अल्लाह ताला के फरमाबरदार और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले सिंसियर, करप्शन फ्री, वो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करते हैं, वो गैर सियासी लोग होते हैं, सियासत में उनका कोई किरदार नहीं होता, अल्लाह ताला की तरफ से उनको डिजिग्नेट किया जाता है और वो लोग जब मुल्क चलाते हैं तो फिर पाकिस्तान तरक्की करने लग जाता है, पाकिस्तान आगे बढ़ने लग जाता है और ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर होने लग जाती है।